तो अभी तक हम लोग जान चुके हैं किंगडम मोयरा के बारे में कम्प्लीटली। किंगडम मोयरा में हमने पढ़ा था आपके अलग अलग डिवीजन, जैसे कि डिवीजन हमने पढ़ा था सबसे पहले आर्कीबैक्टीरिया, एंड आफ्टर दैट हमने पढ़ा यू बैक्टीरिया, और उसके बाद हमने पढ़ा था साइनो बैक्टीरिया, उसके बाद हमने पढ़ा था एक्टिनोमाइसिटीज, और फिर हमने पढ़ा माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ये सब हमने पढ़े थे। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा को। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा को हम पढ़ने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्लास को, और देखिए आज की स्लाइड्स बहुत ही अच्छी हैं एंड आई होप आप सभी को समझ में आएंगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में आता क्या क्या है, कितने तरह के प्रोटिस्टा होते हैं। तो प्रोटिस्टा आप देखेंगे तीन तरह के होते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा ना ऑटोट्रॉफ होते हैं, मतलब ये खुद से अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, और स्लाइम माउल्ड्स क्या होते हैं, ये कंज्यूमर या डिकम्पोजर होते हैं, ये कंज्यूमर या फिर डिकम्पोजर की तरह बिहेव करेंगे। और आपको पता होगा कंज्यूमर और डिकम्पोजर दोनों ही क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं। पता है नहीं पता है? ठीक है, इसके बाद आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मैंने बताया था पुराने एनिमल्स की तरह इनका बिहेवियर है, मतलब एनिमल से इनका बिहेवियर थोड़ा मैच करेगा। देखेंगे कैसे कैसे करेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है किंगडम प्रोटिस्टा, क्योंकि ये किंगडम प्रोटिस्टा लिंक क्रिएट करता है मोनेरा का, मोनेरा का लिंक क्रिएट करेगा, मोनेरा का लिंक क्रिएट करता है प्रोटिस्टा अलग अलग किंगडम से, जैसे कि फंजाई से, प्लांट से, ठीक है, एनिमल से। तो ये एक लिंक है। ठीक है बच्चों, ये बात याद रखनी है आपको। तो प्रोटिस्टा जो है वो एक लिंक फॉर्म करता है किस किसके बीच में, मोनेरा किंगडम का, मोनरा किंगडम का लिंक क्रिएट करता है ये बाकी तीन किंगडम से। ठीक है ना, तो एक लिंक क्रिएट कर दिया इसने। और देखते हैं, देखो फोटोसिंथेटिक में क्या क्या आता है, तो वो हम जानते हैं। फोटोसिंथेटिक में आएगा हमारा डाइनोफ्लैजिलेट आएगा, देखो वर्ड से पता चल रहा है, डाई मतलब दो, फ्लैजिला इनके शरीर में दो फ्लैजिला होंगे। खैर डिटेल्स की बात हम बाद में करेंगे, फटाक से हम बाकी चीजों को जान लेते हैं। इसमें आता है डाइनोफ्लैजिलेट आएगा और क्राइसोफाइट्स आएंगे। क्राइसोफाइट्स के बाद इसमें आएगा आपका युगलिनोफाइट्स, और युगलिनोफाइट्स के बाद आपका आएगा स्लाइम माउल्ड्स, के बारे में देख लेते हैं। स्लाइम माउल्ड्स में आएंगे आपके असेल्युलर स्लाइम माउल्ड्स, मतलब जिनकी सेल्युलर स्ट्रक्चर नहीं होती है। ठीक है, और फिर हम पढ़ेंगे सेल्युलर स्लाइम माउल्ड्स। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल लिख लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है नॉक्टिल्यूका और गोनेउलेक्स। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल है नेविकुला, एम्फीप्लूरा, सिम्बेला, ये एम्फी है, AMPHI। ठीक है, एम्फीप्लूरा। और फिर है युगलिनोफाइट्स में आ जाएगा, नाम से पता चल रहा है आपने युगलिनोफाइट्स से मिलता जुलता कौन सा वर्ड सुना है, बताइए पहले कभी। युग लेना। यस, इसमें युगलीन आएगा है ना, पैरानीमा आएगा और एस्टेसिया आएगा। ठीक है बच्चों, ए सेलुलर में क्या क्या आएगा आपका, ए सेलुलर में आपका आएगा मिक्सोमाइसिटीज आएगा, और फिर आपका एक्रेसिया आएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स आपको टिप्सों पे याद रखने कि इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, बाकी मैं भी कैरेक्टर्स को अभी डिस्कस करूंगा। ठीक है, आज हम डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़ लेंगे, मतलब फोटोसिंथेटिक को स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर डाइनोफ्लैजिलेट्स हम पढ़ेंगे। अब देखो प्रोटोजोआ में एग्जाम्पल क्या है, आप बताइए प्रोटोजोआ के एक आध एग्जाम्पल आपने कभी पढ़े हो, कभी 10वीं क्लास में 10th क्लास में पढ़ा होगा प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल, कुछ तो याद होंगे। चलो मैं बता देता हूँ, अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है ना, ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल, ये तो पढ़ा होगा ना आपने, अमीबा पैरामीशियम है ना, तो यस सर। ये प्रोटोजोआ में आते हैं। समझ गए, क्लियर है बच्चों यहाँ तक सब कुछ? ठीक है, और ये बात आपको इम्पोर्टेंट चीज ये याद रखनी है कि मोयरा किंगडम किस किस के बीच में कनेक्टिंग लिंक फॉर्म करता है, और मैं ये बात आपसे कभी नहीं पूछ सकता हूँ। ठीक है बच्चों, याद रख लोगे, आगे चलें।
सर देखिए, अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल की बात करते हैं। देखो, दो तरह की लाइफ साइकिल होती हैं। हेलो, यस मैम। सर, रात को आपने बहुत लेट वो भेजा है 11th के ग्रुप में सर। नहीं, वो क्लास मैंने ले रखी थी लाइव। ये तो मैंने यूट्यूब वीडियो भेजी रिकॉर्डेड की, बच्चे जरूर नहीं देखी, पर क्लास वो देख लेंगे। कोई तो सत्ता फोन आया कि तो कल अपनी 8 बजे से आवाज आ रही बच्चों? यस सर। सर आपका माइक ऑफ है। सर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अब सुनिए, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? तो देखो बच्चों, पहले क्या होता है, जन्म होता है किसी का भी, फिर वो मैचर होता है। मैचर होने पर वो संतान पैदा कर देता है ना, मतलब जन्म दे देता है। और साथ में फिर वो कभी बूढ़ा भी होगा, और फिर कभी उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। यही तो होती है लाइफ साइकिल। तो मतलब जो ये वाली साइकिल है जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, ये तो चलती रहती है लगातार। मतलब कोई आता है इस अर्थ पर और बच्चे पैदा करता है, और फिर उसके बच्चे फिर फ्यूचर में बड़े होते हैं, फिर वो बच्चे पैदा करते हैं। इस वाले साइकिल की बात कर रहा हूँ, ये तो चलती रहती है ना। हालांकि मुझे पता है वो कभी यस तो बूढ़ा होगा और कभी तो मरेगा, ठीक है। अच्छा, मैच्योर हो रहा है मतलब रिप्रोडक्शन कर रहा है, और रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट्स फॉर्म होते हैं सेक्सुअल साइकिल में, और एसेक्सुअल साइकिल में कोई गैमेट्स फॉर्म नहीं होते हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। अब ऐसी ही कुछ मिलती जुलती साइकिल मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, लाइफ साइकिल में बात करते हैं। सबसे पहले मैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की। देखिए, हैप्लॉन्टिक जो वर्ड है ये आया है हैप्लॉइड से। हैप्लॉइड का मतलब होता है 1N या फिर N, और N का मतलब होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है ना, क्रोमोसोम्स का सिंगल सेट। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं आपकी बात को और बेसिकली समझा देता हूँ। आपने 46 क्रोमोसोम्स जो पढ़े हैं, ये 46 क्रोमोसोम आपने 2N में पढ़ेंगे कि डिप्लॉइड सेल में। तो इसमें क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, एक ये क्रोमोसोम हो गया, ठीक है, और इसके पीछे इसका एक पेयर क्रोमोसोम होता है, ठीक है ना, एक पेयर क्रोमोसोम, है ना, आगे समझ में। तो ये होते हैं डिप्लॉइड क्रोमोसोम, मतलब इसमें दो सेट हैं, और ऐसे ही सेट होंगे इनके अंदर 23 times, ठीक है। तो 23 क्रोमोसोम्स के कितने सेट मिलेंगे, दो सेट मिलेंगे। यहाँ देखिए, एक एक ब्लू वाले क्रोमोसोम का मिलेगा सेट, एक किसका मिलेगा, रेड वाले का। जबकि अगर मैं हैप्लॉइड की बात करूँ, सिंगल एन की बात करूँ, तो सिंगल एन मतलब हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड में कितने क्रोमोसोम होंगे, 23 होंगे। तो हैप्लॉइड समझ में आया, डिप्लॉइड समझ में आया? हैप्लॉइड में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, और डिप्लॉइड में होते हैं आपके 46 क्रोमोसोम, ह्यूमन की अगर मैं बात करूं तो, समझ गए। तो यहाँ पेयर फॉर्म में मिलते हैं क्रोमोसोम्स, और यहाँ अनपेयर्ड फॉर्म में मतलब सिंगल सेट मिलेगा, लाइक ये बस इस तरह से मिलेंगे वहां पे सभी क्रोमोसोम, हैप्लॉइड सेल, ठीक है। और डिप्लॉइड सेल में तो पेयर्ड फॉर्म में मिलेगा, लाइक एक क्रोमोसोम ये है तो इसके पीछे एक और क्रोमोसोम मिलेगा। समझ गए, नहीं समझे, क्लियर हुआ? अरे बोलो बच्चों, आवाज नहीं आ रही क्या? तो उसमें ऐसे मिलेंगे। अब ऐसे 23 times अगर मिल रहे हैं, तो हमारे डिप्लॉइड सेल में 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे,
और ऐसे सिंगल सिंगल सेट 23 टाइम्स मिल रहे हैं तो कितने हो जाएंगे? 23 नहीं हो जाएंगे। तो हमारी हैप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम कैसे होते हैं? हैप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम होते हैं, देखो, एक तो होते हैं अनपेयर, ठीक है ना, अनपेयर, और डिप्लॉयड में होते हैं पेयर्ड। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये पेयर्ड है, क्लियर है, बस जोड़ा बन जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं ट्रिप्लॉयड में कैसे होंगे क्रोमोसोम, तो आप बता दोगे कि सर कि ऐसे होते हैं, एक क्रोमोसोम ये और फिर इसके पीछे एक क्रोमोसोम और फिर इसके पीछे एक और क्रोमोसोम, तो इस तरह से ट्रिप्लॉयड बन जाएगा। सर मैं आया यहाँ तक, है ना? अगर मैं टेट्राप्लॉयड बोलूँ तो इसके एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक, क्लियर है, तब सेट बढ़ जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पे ट्रिप्लॉयड में कितना हो जाएगा, 46 तो डिप्लॉयड का हो गया, प्लस एक एन, और मतलब 2n+1 तो 3n ही तो होता है, तो कितना हो जाएगा बताइए आप, अगर मैं ट्रिप्लॉयड बोलता, ट्रिप्लॉयड, बताइए, आवाज आ रही है क्या? हेलो, 69 सुन रहे बच्चों? हाँ क्लियर है, नितिन ने सही बताया एकदम। तो ये सब आप चीज शॉट ले लो, मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद आगे बात करते हैं। अब देखो, जो प्रोटिस्ट होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, और उनमें जो मियोसिस होता है वो उनके जायगोट में होता है, ठीक है ना? और एग्जाम्पल इसके डायनोफ्लेजिलेट, अब मैं आपको लाइफ साइकिल दिखा रहा हूँ। देखो, जैसे यहाँ पे इनकी पूरी जिंदगी जो है, पूरी जिंदगी इनकी हैप्लॉयड होकर के गुजरती है, पूरी जिंदगी भर ये हैप्लॉयड रहते हैं, मतलब इनके शरीर की सेल में। जैसे कि अगर मैं ह्यूमन की बात करूँ तो हमारी सेल डिप्लॉयड होती है बॉडी की, है ना, जबकि हमारे जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। हमारे गैमेट्स कैसे होते हैं? हैप्लॉयड। तो हमारी पूरी जिंदगी डिप्लॉयड जाती है, तो हमारी पूरी लाइफ साइकिल कैसी कहलाएगी, हैप्लॉन्टिक या डिप्लॉन्टिक? हमारी पूरी लाइफ साइकिल कहलाएगी डिप्लॉन्टिक, समझ गए, क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी किस जाती है, डिप्लॉइड स्टेज में जाती है, जबकि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले जो प्रोटिस्ट होते हैं उनकी पूरी जिंदगी किस में जा रही है, आप यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक देखिए, आप देखो यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइफ इसकी किस में जा रही है, एडल्ट होने तक भी इसकी पूरी लाइफ साइकिल जा रही है हैप्लॉन्टिक में, मतलब 2n के बाद मियोसिस हो गया ना। मियोसिस से क्या होता है, जैसे मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 2 स्टेज में होता है, मियोसिस 1 में हैप्लॉइड सेल बन जाती हैं और फिर आता है मियोसिस 2 आता है, ठीक है ना, मियोसिस 2 आता है, मतलब मियोसिस 2 2 स्टेज में होता है, और फिर कैसी सेल बन गई, हैप्लॉइड 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 हैप्लॉइड, ठीक है ना। तो मियोसिस, देखो यहाँ पे ना मियोसिस लिख रहा है, और मियोसिस से जो सेल्स हो जाती हैं वो कैसे हो जाती है, हैप्लॉइड हो जाती है, क्लियर है। हमारी बॉडी में चलता है माइटोसिस, मतलब 2n से 2n बनता है, तो माइटोसिस में तो ये होता है माइटोसिस, आपको याद रखना माइटोसिस क्या होता है, और मियोसिस क्या होता है, 2 स्टेप की प्रोसेस होती है, और ये एक तरह का रिडक्शनल डिवीजन होता है, रिडक्शनल, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हुआ, आधे हो गई। और माइटोसिस कैसा डिवीजन है, माइटोसिस है इक्वेशनल डिवीजन, क्लियर है बच्चों, इसमें क्रोमोसोम के नंबर घटते नहीं है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है 10th क्लास से, जो आई होप आपको पता होंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद जब एडल्ट बनता है, एन यहाँ से आया, ऐसे ही एक मेल से एक फीमेल से आएगा, गैमेट बनेंगे इसके माइटोसिस से, याद रखना, ये जो गैमेट बनाता है माइटोसिस से बनाता है, हैप्लोइड गैमेट्स, ठीक है, और जब ये फ्यूज करेंगे तो जायगोट बन जाएगा डिप्लॉइड, फिर से माइटो मियोसिस होगा, फिर होगा मियोसिस, और मियोसिस से क्या होगा, हैप्लोइड बन जाएंगे फिर से सेल। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगर अभी समझ में नहीं आया तो फिर मैं दोबारा समझा दूंगा आपको कभी और, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की, देखो हो क्या रहा है इसकी में, इसकी पूरी लाइफ साइकिल डिप्लॉयड में जाती है, और मियोसिस टेक प्लेस होता है सिर्फ गैमेट बनाने के टाइम पर, जैसे हमारे अंदर भी होता है, एग्जाम्पल है डाई एटम्स, ठीक है ना। अब देखो पूरी लाइफ इसी किसमें गई, देखो जायगोट के बाद यहाँ क्या चला, माइटोसिस चला है, यहाँ जायगोट के बाद क्या चला है, मियोसिस चला है, इसलिए यहाँ पे हैप्लॉयड बना है, और यहाँ जायगोट के बाद माइटोसिस चला है, इसलिए पूरी जिंदगी किसमें गई है, डिप्लॉयड में जाती है, मतलब इनके शरीर की सेल में डिप्लॉयड सेल्स मिलेंगी, और फिर मियोसिस से कब होता है, गैमेट बनाने के टाइम पर, और मियोसिस से मैंने अभी अभी बताया था कि जो क्रोमोसोम के नंबर हैं वो घट जाते हैं मियोसिस में, तो 2n से n बन गया, फिर से फ्यूज होगा, फिर से जायगोट बनेगा, लेकिन यहाँ पे गैमेट किससे बन रहे हैं, माइटोसिस से बन रहे हैं, ये कुछ चेक पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, इसके बाद आगे बात करते हैं, एग्जाम्पल याद रखना डाइएटम्स, ठीक है, और इसमें मियोसिस कब होता है, गैमेट बनाने के टाइम में, इसमें मियोसिस कब होता है, जायगोट बनने के बाद में, यहाँ जायगोट बनने के बाद मियोसिस होता है,
और यहाँ गैमेट बनने के टाइम पर मियोसिस होता है, मतलब गैमेट बनाने के लिए मियोसिस होता है। यहाँ जायगोट के बाद माइटोसिस होता है, यहाँ जायगोट के बाद मियोसिस होता है। और माइटोसिस मियोसिस ये बस मेन कॉन्सेप्ट इसके पीछे, इनकी हैप्लोन्टिक और डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होने के लिए। चलो आगे बात करते हैं, इसके बाद मैं बात करता हूँ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट से हमें लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, डायनोफ्लैजेलेट्स पढ़ेंगे, क्राइसोफाइट्स पढ़ेंगे और जुगलिनोफाइट्स पढ़ेंगे। आज मैं आप लोगों को डायनोफ्लैजेलेट्स पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। डायनोफ्लैजेलेट्स के बारे में मैंने अभी अभी क्या बताया था, डाई फ्लैजिला, बताइए क्या है इसका मतलब। नहीं पता, ऐसे कैसे काम चलेगा, चलो मैं बता देता हूँ इसका मतलब, अगर आप भूल गए या फिर आपका माइक भी ऑफ है, इसका मतलब है टू फ्लैजिला। इनके शरीर में कितने फ्लैजिला मिलेंगे, टू फ्लैजिला मिलेंगे। चलो भाई आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के हैबिटेट की, ओवरऑल जान लेते हैं अभी हम। देखिए अभी मैं ओवरऑल आपको फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के बारे में ही बता रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको डायनोफ्लैजेट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट का हैबिटेट जो है वो एक्वेटिक है, मतलब वो पानी में मिलेगा, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी यूकैरियोटिक है। लोकोमोशन ये मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, इसका मतलब ये मोटाइल है। उसके बाद न्यूट्रिशन कैसा है इनका, फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक के ब्रैकेट में मैंने होलोफाइटिक लिखा हुआ है, होलोफाइटिक का मीनिंग होता है प्लांट लाइक, मतलब ये जो प्रोटिस्ट है ये प्लांट से मैच करते हैं। और सबसे शुरू में मैंने आपको ये बताया था कि प्रोटिस्ट का किंगडम ऐसा है जो बाकी सभी किंगडम को कनेक्ट करता है आपस में, ठीक है ना। तो इसमें सभी किंगडम के फीचर्स हमें देखने को मिल जाएंगे थोड़े थोड़े, ठीक है। होलोफाइटिक का मतलब क्या है, प्लांट लाइक। एक होता है होलोजोइक, होलोजोइक एक तरह का हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ठीक है, हेटरोट्रॉफिक। और जबकि होलोफाइटिक एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना, होलोफाइटिक और होलोजोइक। इसके बाद रेस्पिरेशन इसका एरोबिक है, एंड आई होप आपको पता होगा एरोबिक रेस्पिरेशन कैसा होता है। रिप्रोडक्शन के अंदर तीनों देखने को मिलेंगे, वेजिटेटिव भी, असेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। मैं कंप्लीट फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट की बात कर रहा हूँ। इसके बाद डिस्टिंग फीचर क्या है, जो फाइटोप्लैंकटन वर्ड आपने कभी सुना होगा, तो मेजर पोर्शन जो है फाइटोप्लैंकटन का उसमें सभी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट ही आते हैं। अगर आप कहीं भी फाइटोप्लैंकटन देख लें, उसका मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि हम बात कर रहे होंगे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के बारे में। चलो अब मैं डायनोफ्लैजेलेट से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो मैंने आपको जो एग्जांपल्स बताए थे लाइक नॉक्टिल्यू का, तो इसके डायग्राम्स आप देख सकते हो, देखिए किस किस तरह का जीव है ये, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। राइट साइड में मैंने इनके रियल डायग्राम दिखा रखे हैं, यहाँ ये स्लाइड है और ये इसका रियल डायग्राम है, और ये है इसका डायग्रामेटिक व्यू। आप चाहो तो इस वाले को बना लीजिएगा, राइट साइड वाले को, जो इजी टू ड्रॉ है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं गोनेउलेक्स की, गोनेउलेक्स, ठीक है। ये देखिए इधर में इसके रियल डायग्राम है और इधर में है डायग्रामेटिक व्यू जो एनसीईआरटी में दे रखा है। फिलहाल सुनिए ध्यान से, यहाँ पे मैं आपको इनके अलग अलग कलर्स दिख रहे होंगे, तो कलर्स देने का काम जो करते हैं वो पिगमेंट्स करते हैं। तो इनकी बॉडी में जो अलग अलग कलर्स हमें दिख रहे हैं वो डिपेंड करता है इनकी बॉडी में मौजूद पिगमेंट और ये किस वेवलेंथ की लाइट पे ऑब्जॉर्व कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये चीज मैंने आपको बता दी थी लास्ट लेक्चर में पिगमेंट्स के बारे में। इसके बाद देखो आगे बात करते हैं। हाँ जी, डायनोफ्लैजेलेट से हैबिटेट कैसा है, इनका हैबिटेट मेरीन होता है। देखिए एक्वेटिक हैबिटेट दो तरह का होता है, एक तो होता है फ्रेश वाटर और एक होता है मेराइन। मेरीन में सॉल्टी वाटर होता है और फ्रेश वाटर में सॉल्टी वाटर नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ का पानी कैसा नहीं होता है, सॉल्टी नहीं होता है, जो हम पी सकते हैं, ड्रिंकेबल होता है, और ये ड्रिंकेबल नहीं होता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। हाँ कुछ इनके फ्रेश वाटर भी हैं, वो आप सर्च कर लीजिएगा। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी हम अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर है, ठीक है ना। और सेल वॉल के बारे में थोड़ा केस है, देखिए यहाँ पे सेल वॉल इसकी थिक है, मतलब तो उसमें थीका हमें देखने को मिलेगा, आप थीका बोल दो या लोरी का बोल दो। और इसकी
सेल वॉल में दो ग्रूव देंगे हम, ग्रूव ग्रूव मतलब गड्ढे, जैसे कि अगर कोई स्ट्रक्चर ऐसी है और बीच में कोई ग्रूव मिल जाए तो इसको गड्ढा, गड्ढे को तो ग्रूव बोलेंगे, तो ये क्या है, ग्रूव है, ठीक है, ग्रूव। अच्छा अब एक वर्टिकल ग्रूव है जिसको सल्कस बोला गया है, और एक हॉरिजॉन्टल ग्रूव है जिसको कि आप सिंगुलम या फिर एन्यूलस या फिर गिर्डल, कुछ भी आप बोल सकते हो। डायग्राम दिखा देते हैं आपको, देखिए यहाँ पे, देखिए आप ध्यान से। तो देखिए ये तो है थीकल प्लेट, जो मतलब इसकी सेल वॉल है। मैं पहले बता दूं, डायनोफ्लेजिलेट्स या फिर ये जो प्रोटिस्टा होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है ना, इस बात को दिमाग में रखिएगा। तो इसकी सेल वॉल है, और यहाँ देखिए मोटी सेल वॉल है, और थीका हमें देखने को मिलता है, मतलब कि देखो एक थीका ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया थीका, एक थीका ये हो गया, तो अलग अलग थीका हमें इनके अंदर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद अब देखो, जिसकी मैंने बात करी थी, ये सल्कस की बात करी थी, एक वर्टिकल, तो देखिए इस तरह ये वर्टिकल पोजिशन होती है, ये हॉरिजॉन्टल होती है इस तरह वाली, ठीक है। तो देखिए वर्टिकल में हमें यहाँ पे सल्कस देखने को मिल रहा है। इसके बाद अब मैं नीचे एक और बात करी थी, एन्यूलस की बात करी थी, ठीक है, एन्यूलस या फिर आप इसको सिंगुलम बोल दी सकते हो। तो यहाँ देखिए ये हॉरिजॉन्टल ग्रूव है, तो ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल ग्रूव, और सल्कस कैसा हो गया, ये हो गया वर्टिकल ग्रूव, ये हो गया वर्टिकल और ये हो गया हॉरिजॉन्टल ग्रूव, ठीक है ना, ये दोनों हमें देखने को मिल रहे हैं इसकी सेल वॉल में, बस यही मुझे बताना था, ठीक है। अच्छा डायनोफ्लेजिलेट्स में दो फ्लैजिला होते हैं, ठीक है ना, दो फ्लैजिला होते हैं, तो आप देख सकते हो इसके अंदर दो फ्लैजिला, एक तो ये रहा ट्रांसवर्स फ्लैजिला, मतलब इन्हीं ग्रूव में हमें दो फ्लैजिला देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि सिंगुलर में हमें देखने को मिल रहा है ट्रांसवर्स फ्लैजिलम, और वर्टिकल वाले में हमें देखने को मिल रहा है लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला, ठीक है ना, ये देखने को मिल रहा है इधर, ठीक है, और ये इस तरह का है। समझ में आया बच्चों, डायग्राम समझ में आया? यस सर। ओके चलो इसके बाद आगे बात करते हैं, इसमें और भी चीजें हैं पढ़ने के लिए, देखिए। हाँ जी, इसके अंदर आई स्पॉट्स मौजूद होते हैं, देखिए आई स्पॉट्स का काम यहाँ देखने के लिए नहीं है, आई स्पॉट वो रीजन होता है जहाँ पे पिगमेंट बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन मिलते हैं, यहाँ पे पिगमेंट्स बहुत ज्यादा मिलेंगे, पिगमेंट्स, ठीक है ना, और पिगमेंट्स क्या कराएंगे, फोटोसिंथेसिस कराएंगे और कलर देंगे, ठीक है ना, ये क्या कराएंगे, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि मैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट पढ़ा रहा हूँ, तो डायनोफ्लेजेट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे वो फोटोसिंथेटिक में ही तो है, तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और कलर भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, आई स्पॉट्स। आई स्पॉट का काम यहाँ देखने का नहीं है, बस देखने में ऐसा लगता है कि आंख है, लेकिन ये आंख नहीं है, आई स्पॉट हम इसको बोल लेते हैं। आई स्पॉट कौन सा रीजन होता है, जहां पे पिगमेंट्स बहुत ज्यादा मिलेंगे, और पिगमेंट्स क्या काम कराएंगे, एक तो फोटोसिंथेसिस कराएंगे और एक कलर्स भी देने का काम करेंगे, और इनके अंदर नेमेटोसिस्ट्स भी देखने को मिलती है। नेमेटोसिस्ट एक ऐसी स्ट्रक्चर है, नेमेटोसिस्ट, अगर मैं नेमेटोसिस्ट को यहाँ लग देता हूँ, तो नेमेटोसिस्ट क्या करता है, ये प्रे को कैच करता है, प्रे या फिर अपने फूड को कैच कर सकता है, ठीक है ना, फूड को कैच करते, क्लियर है। इसके बाद ये जो कलर होता है इनका, वो गोल्डन ब्राउन होता है, ठीक है ना, गोल्डन ब्राउन, इसलिए डायनोफ्लेजेलेट्स को हम गोल्डन ब्राउन एल्गी भी बोल देते हैं। अब देखो एल्गी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एल्गी प्लांट किंगडम का हिस्सा है, और मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है वो प्लांट की तरह है, ठीक है ना, तो इसलिए इनको गोल्डन ब्राउन एल्गी भी बोल देते हैं, नो ऑफेंसेस। इसके बाद क्रोमोसोम्स जो होते हैं इनके पास, उनके पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो 3 सेकंड में, मैं एक चीज समझाने जा रहा हूँ अभी। अब देखिए नॉर्मली जो यूकैरियोट्स होते हैं और प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनका डिफरेंशिएशन हम इस तरह से करते हैं, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। बोला जाता है कि प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए होता है, ठीक है ना, प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए होता है, हालांकि सर्कुलर होता है, मैंने लीनियर बना दिया है यहाँ पे, तो प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए होता है उसके पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलता है, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है ना। अब हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है उसको यहीं के ही समझ लो, थोड़ा सा समझाऊंगा बस। हिस्टोन प्रोटीन एक तरह का एक प्रोटीन है, जिसके चारों तरफ डीएनए लिपटा हुआ पड़ा होता है सेल के अंदर, इतना याद रख लीजिए, ठीक है ना, डीएनए क्या होता है, लिपटा पड़ा हुआ होता है, तो
ये जो मैंने ग्रीन कलर से बताया है यहाँ पे वो है हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है ना। ये क्या है, ये है हिस्टोन प्रोटीन, और ये चारों तरफ इसके क्या लिपटा हुआ है, ये लिपटा हुआ है इस चारों तरफ डीएनए, ठीक है। और हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन किसके अंदर देखने को मिलेगा, इसके अंदर हमें, सॉरी क्वालिटी में कमी आ गई, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ जी देखिए, हाँ हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसा यूकैरियोट कौन सा है जिसके पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलते हैं, तो आपको बता देना है, ठीक है ना। नॉर्मली यूकैरियोट्स के पास हिस्टोन मिलता है, हमारे, हम भी यूकैरियोट्स हैं, हमारे अंदर भी हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोकैरियोट्स के पास फिर होता क्या है, प्रोकैरियोट्स के पास होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, इनके पास होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन या नॉन हिस्टोन। यूकैरियोट्स के अंदर भी नॉन हिस्टोन होता है, लेकिन वो तब होगा जब इसके डीएनए को क्रोमोसोम में बदलना होगा डीएनए, ठीक है। ये बाकी की स्टोरी आप यहाँ पर इतना ध्यान दें, हिस्टोन प्रोटीन लेंगे प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं मिल सकता है, ये बात आपको याद रखनी है। प्रोकैरियोट्स के अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिल सकता है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर हिस्टोन प्रोटीन मिलता है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक एक्सेप्शन पढ़ाया है, इसको याद रखना, एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है ना। क्लियर है बच्चों, समझ में आया यहाँ तक। कैसे भाई, कैसे सो गए आप लोग, या क्लास ऐसे चला के कहीं भाग जाते हो है? चलो ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। यस तो सर, हाँ, भाग तो नहीं जाते क्लास चला के कहीं, ठीक है। चलो हम आगे बात करते हैं इसके बाद। तो देखिए बात करते हैं अब इसके बाद इसकी लोकमोशन की। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन 3 सेकंड्स, ठीक है। अब इसके बाद आगे बात करते हैं लोकोमोशन की। तो देखो इसका जो लोकोमोशन है, नॉर्मली ये मोटाइल होते हैं, बताना मोटाइल ये होंगे। इसके पीछे जो रीजन है वो तो आपको पता ही है, क्योंकि सामने लिखा हुआ है मोटाइल होने के पीछे का रीजन क्या है, वो है इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला प्रेजेंट है। इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला प्रेजेंट है, और ये ही रीजन है इनके मोटाइल होने का, ठीक है ना। मोटाइल मतलब मूवेबल होने का, क्योंकि इनके पास दो फ्लैजिला मिलते हैं और उनको हेट्रोकॉन्ट बोला गया है। हेट्रोकॉन्ट का मतलब दोनों ही फ्लैजिला अलग अलग तरह के हैं। एक तो देखो ट्रांसवर्स फ्लैजिला है और एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला है, इसलिए हेट्रोकॉन्ट बोला गया है। हेट्रो मतलब डिफरेंट, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। यस सर, हाँ रेस्पॉन्सिव बने, रेस्पॉन्स दिया करो, ऐसे जैसे बेजान हो गए हो ऐसे मत रहा करो, ठीक है, जैसे खाना नहीं मिला हो तुम्हें, है। चलो इसके बाद आगे बात करते हैं डाइनोफ्लैजेलेट्स के बाद आगे बात करते हैं डाइनोफ्लैजेलेट्स के न्यूट्रिशन की। तो देखिए इनका न्यूट्रिशन मोस्टली फोटोसिंथेटिक देखने को मिलता है, ठीक है ना। क्योंकि इनके अंदर देखो पिगमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, क्लोरोफिल ए एंड सी, ठीक है, और इनके अंदर जेंटोफिल्स भी देखने को मिल रहे हैं। जेंटोफिल्स की वजह से ही इनके अलग अलग कलर्स हमें देखने को मिलते हैं, लाइक जैसा भी मैंने बताया गोल्डन कलर्स इनके अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, अभी अभी जैसा कि मैंने बताया था। और इनका जो रिजर्व फूड है वो है ऑयल है और पॉलीसेकेराइड्स है, ठीक है ना। पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं वो आपको बताऊंगा। इसके बाद रेस्पिरेशन का एरोबिक होता है और रिप्रोडक्शन के अंदर ओनली एसेक्सुअल होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर एब्सेंट मिलता है सिर्फ केरेटियम को छोड़कर। अब केरेटियम कैसा दिखता है, देखो बच्चों ऐसा दिखता है, ठीक है। रियल इमेज अगर इसकी देखनी है तो ऐसी दिखती है, क्लियर है आगे समझ में। तो क्रिएटियम को छोड़कर बाकी सभी, ये एक्सेप्शन है, ठीक है ना, जहां एक्सेप्शन फंसा वहीं से क्वेश्चन फंसेंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है, रिप्रोडक्शन के अंदर नॉर्मली एसेक्सुअल मिलता है, लेकिन सेक्सुअल वाला रिप्रोडक्शन इनके एक केस में देखने को मिलेगा जिसका नाम है क्रिएटियम, ठीक है ना, सेक्सुअल। तो इसके बाद आगे बात करते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं इसके डिस्टिंक्ट फीचर की, इसके अंदर अलग फीचर क्या है, ठीक है ना। तो देखिए बहुत ही अच्छी बात है, इनके अंदर हमें बायोल्यूमिनिसेंस देखने को मिलती है। आपने जुगनू सुना है, जुगनू, जुगनू देखा है, फायरफ्लाई देखी, फायरफ्लाई। यस सर, तो वो रात को चमकता है, ल्यूमिनिसेंट हम उसको बोलेंगे जिसके पास लाइट होती है, जिसके अंदर से लाइट निकलती है, ठीक है ना। तो डायनोफ्लेजलेट्स बायोल्यूमिनिसेंस शो करते हैं, बायो मीन्स लिविंग के अंदर अगर मुझे लाइट निकलती हुई दिखाई दे तो उसको मैं बायोल्यूमिनिसेंस बोलूंगा। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फोटोजेनिक ग्रेन्यूल, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, फोटोजेनिक ग्रेन्यूल होते हैं इनके साइटोप्लाज्म में,
आगे मैं बता दूं, ये यूनिसेलुलर है, ठीक है ना। सो दीज डाइनोफ्लैजेलेट्स आर ऑल्सो नोन एज नाइट लाइट, इसलिए इनको हम नाइट लाइट भी बोलते हैं। इनको फायर एलगी भी बोला जाता है। एलगी देखो मैंने बताया ना, एलगी एलगी क्यों बोल रहे हो, क्योंकि इनका जो कैरेक्टर है वो मैच करता है प्लांट्स के साथ, ठीक है। अच्छा अब इनको फायर एलगी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका एपियर जो होते हैं वो ऐस इस तरह से होते हैं, एकदम ग्लोइंग लाइट की तरह, जैसे कि कोई लाइट ग्लो हो रही हो। अब आप इसकी डायग्राम को देखिए, देखो जैसे कि कुछ समुद्र के पास इस तरह से लाइट निकलती हुई दिखाई देती है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, देख पा रहे हो यहाँ पे। अच्छा ये है मालदीव्स जगह है ना, वाधू आइलैंड्स है, और डाइनोफ्लेजेट्स ये कॉज कर रहे हैं। दिख रहा है बच्चों सभी को? आपने कभी तो देखा हुआ टीवी वगैरह में या फिर रियल में कभी तो, अगर आप गए, यस क्लियर है ना। तो ये किसकी वजह से हुआ? ये हुआ है इन डाइनोफ्लेजेट्स की वजह से, क्लियर है ना। इनके दोनों नाम याद रखना, नाइट लाइट हम इनको बोल सकते हैं और फायर एल्गी भी इनको बोलते हैं। क्यों बोलते हो? कि इनके पास बायोल्यूमिनेसेंस कैरेक्टर होता है। अच्छा इसके बाद एक है गोनेउलेक्स, जिसके मैंने तुम्हें डायग्राम भी दिखाया था, ठीक है ना। ये स्प्रेड हो जाता है समुद्र के पानी पर, ठीक है, और वहां पे ये मल्टीप्लीकेशन करता रहता है, मतलब अपने नंबर्स को बढ़ाता रहता है, जिसकी वजह से जो समुद्र का रंग है वो लाल दिखता है, रेड दिखता है, और उसको हम रेड टाइड बोलते हैं, जैसा कि आपने सुना होगा कभी बचपन में भी, और यहाँ आप देख लीजिए, ठीक है, और रियल में भी देखा होगा। तो ये किसी वजह से हुआ, लाल कलर क्यों हुआ इसका? ये हुआ है इस गोनेउलेक्स की वजह से, ठीक है ना। इसके बाद अच्छा ये जो अलग अलग कलर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, रेड है या फिर गोल्डन है, ये कलर्स प्रोड्यूस होते हैं पिगमेंट्स की वजह से, और कैसे कैसे प्रोड्यूस होते हैं उसकी वीडियो की लिंक मैंने आपके ग्रुप पे भेज दी है, ठीक है ना, चैनल पे अपलोड हो चुकी है। इसके बाद अब देखो एक चीज है जो आपको याद रखनी है, जिम्नोडाइनियम और गोनेउलेक्स ये दोनों के दोनों जहरीले होते हैं, ठीक है ना, ये जहर निकालते हैं अपने शरीर से, और ये जो जहर है वो पैरालिसिस कॉज कर सकता है, लकवा लग सकता है इस जहर से ह्यूमन को, ठीक है ना। अब ह्यूमन इनको लेता कैसे? जैसे कुछ जीव, कुछ अमेरिका में या फिर अलग अलग विदेशों में क्या करते हैं, शेलफिश को खाते हैं, जो कवच वाले जीव होते हैं ना, कवच वाले जीवों को खा जाते हैं, ऐसे कच्चा ही खा जाते हैं वो, ठीक है ना, सेलफिश को खा जाते हैं, मतलब जिनके कवच होते हैं, ठीक है ना, जिनके ऊपर शेल बनी होती है, शंख जैसा कुछ बना होता है, उनको खा जाते हैं, वो सीधा ही खा जाते हैं। तो उस फूड चेन के थ्रू जो होता है ये जहर उनके शरीर में चला जाता है, और फिर उन इंसानों को लकवा मार जाता है, क्योंकि तो वो ये सब खाते हैं। तो ये जो एलगी है ये समुद्री जीवों को भी अफेक्ट करती है, ठीक है ना, उनको ये अफेक्ट करती है, और उसको हम वाटर ब्लूम बोलते हैं, वाटर ब्लूम। तो वाटर ब्लूम इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये मैंने एलन के नोट से लिया था। फिलहाल आपको याद रखना है कि ये टॉक्सिन है, कौन कौन से जीव टॉक्सिन है, ये दोनों है, और ये पैरालिसिस कॉज कर सकते हैं, ये इतनी सी बात थी। और इसी के साथ डायनोफ्लैजेलेट खत्म हो चुका है, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये हम कल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल। फिलहाल आप ये बताइए, यहाँ तक तो जो पढ़ाया समझ में आ गया या नहीं आया है, बताइए। यस सर, ओके, थैंक यू।